हमारी एलएमसी की भूमि 850 बीघा थी, जो चकबंदी वालों ने खुर्द बुर्द करके बाहर के लोगों के 10-10 एकड़ के पट्टे कर दिए। उसकी हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो वो भंवरन लाल विधायक जी उस समय राजस्व राजमंत्री थे, 2001 में उन्होंने वो ज़मीन को पुनः मतलब खारिज कराया उन लोगों से। 2001 में खारिज होने के बाद इन लोगों ने फिर फर्जीवाड़ा करके और फिर वो ज़मीन बेच दी, बैनामे करा दिए और अमल दरामद भी हो गए। हमारी चकबंदी आज तक चकबंदी फाइनल ना हुई। जब हम लोगों ने दोबारा आवाज़ उठाई इस चीज़ की तो हमारे विधायक डीसी वर्मा जी ने चकबंदी वालों के लिए डाटा, आप लोग क्यों यहाँ पैमाइश कर रहे हो, आप इस चीज़ से बाहर रहो, आप पैमाइश मत करिए यहाँ की, क्योंकि उन्होंने भी ज़मीन के लिए बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त कराई है, जो आज हमारी ग्राम सभा की भूमि है। हमने डीएम साहब को मिलके ज्ञापन दिया था कि इस भूमि में आप कुछ भी बनवा दीजिए, लेकिन ये इन लोगों से कब्जा मुक्त कराइए। तो वर्मा जी, हम लोगों को दबाव देते हैं कि आप इस आवाज़ के लिए ना उठाओ और इस भूमि जैसी है वैसी ही बनी रहने दो, हम लोगों को खरीदने बेचने दो। इस संबंध में आप मिलने आए हैं डीएम साहब से? जी सर। तो क्या मांगे आप? हमारी मांग है जो हमारी एलएमसी की 850 बीघा भूमि है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए और किसी सही यूज में, चाहे जिस भी संस्थान में सरकार चाहे बनवा दे या उसमें ले अपने प्रयोग में, और इन अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराई जाए।